आइए जानना चाहते हैं राजकीय आईटीआई के प्रधानाचार्य श्री अरुण कुमार यादव जी से। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं प्रवेश से संबंधित? जैसा कि आपने स्वयं ही बताया, जो प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, इनकी प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 9 जून 2023 से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जो 3 जुलाई तक अभी चलेगी। इसमें जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं, जो जिनकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास है या जिनकी क्वालिफिकेशन 8th क्लास है, ये निर्भर करेगा कि वो किस व्यवसाय में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। इसका पूरा विवरण हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है और वेबसाइट का URL को नंबर है www.scbt.in। इस पे जा कर के इसका विवरण पड़ा हुआ है और इसको देख सकते हैं पोर्टल पर। प्रशिक्षार्थियों को करना ये, जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको करना ये होगा कि ऑनलाइन अपना विवरण उसमें पोर्टल पर दर्ज करना होगा, और इसके लिए जो जनरल कैंडिडेट्स और OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए ₹250 का शुल्क निर्धारित है, और जो SC के कैंडिडेट हैं, ST के कैंडिडेट हैं, उनके लिए ₹150 का शुल्क निर्धारित है, जो कई माध्यमों से जिनका पेमेंट किया जा सकता है, जैसे कि डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI के माध्यम से इनका पेमेंट किया जा सकता है। और यह आवेदन करने के पश्चात यदि उनमें कोई त्रुटि रहती है तो 24 से 48 घंटे के बीच में वो इन त्रुटियों का सुधार पोर्टल पर कर सकते हैं। इसके आधार पर इनके आवेदन किए हुए पोर्टल पर आवेदन के आधार पर SCBT जो हमारा लखनऊ में केंद्रित है, वो इस पे मेरिट के आधार पर, हाई स्कूल की या 8th क्लास की मेरिट के आधार पर इसकी मेरिट बनाएगी और फिर उसको हमारे यहाँ भेजेगी, जिससे इच्छुक अभ्यर्थी आके हमारे संस्थान में या प्राइवेट संस्थान में या जहाँ पे उन्होंने आवेदन किया, विकल्प भरा हुआ है, उस संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। विकल्प के दौरान राजकीय और निजी दोनों है या फिर केवल राजकीय ITI इसमें हो रहे हैं एडमिशन? विकल्प में दोनों विकल्प हैं, आप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भी विकल्प दे सकते हैं और निजी औद्योगिक प्रशिक्षणों का भी विकल्प दे सकते हैं। ये पोर्टल पर इसका पूरा विवरण दिया हुआ है जी। धन्यवाद।